राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हा जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है कान्हा जी की फेस्टिव ड्रेस, जिसके लिए सबसे पहले हमें बकरम का बेस कट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है मैं आगे बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। हमें जिस भी नंबर के कान्हा जी के लिए बनाना है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हमें ये सर्कल कट करना होता है। तो आपको अगर जिस भी साइज़ में बनाना है उस साइज़ के हिसाब से कट कर लीजिए। जैसे 0 नंबर के लिए 4 इंचेस डायामीटर का सर्कल कट करना है, 1 के लिए 5, 2 के लिए 6, 7, इस तरह से एक एक इंच इंक्रीज़ करते जाइए पर नंबर। उसके बाद हमने एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक की स्ट्रिप ली है। आप जितना भी सर्कल का डायामीटर लेंगे उसके बाद आपको ये वाली लेंथ नापनी है। वेस्ट कट करने के बाद आपको ये वाली लेंथ नाप लेनी है। उस लेंथ से आधी लेंथ हमने इस स्ट्रिप की रखनी है। विड्थ चुन्नटों पे डिपेंड करेगी आप कितनी गहरी चुन्नटें डालते हो। इसको हमने यहाँ पे पहले हम यहाँ से हेमिंग कर लेंगे ताकि जो थ्रेड्स ना निकलें। अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह से रख के फ्रिल बना के ऐड कर देंगे, अटैच कर देंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से। इसके नीचे हमने एक प्लेन फैब्रिक लिया है। आप नेट का भी फैब्रिक ले सकते हो या सिंपल जॉर्जेट का फैब्रिक भी ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है। सिंपल अगर सूती कपड़ा भी है तो आप वो भी ले सकते हो। जब हम ये फ्रिल लगा लेंगे, इस ये फ्रिल यहाँ तक आती है तो इससे थोड़ा सा ऊपर करके हमें ये वाली फ्रिल अटैच करनी है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली फ्रिल अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इस फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब बारी आती है सेकंड फैब्रिक की। इसकी भी हम कुछ इस तरह से फ्रिल ही बनाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। हल्का सा हमने ये फ्रिल जहाँ पे आती है उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रखना है, ये देखिए, ताजो ये इस तरह से लुक दे। यहाँ पर रख के हमने यहाँ पर फ्रिल बना लेनी है और स्टिच कर देना है। आप पहले चौक वगैरह से निशान लगा सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह से फ्रिल आ जाएगी। ये हमने फ्रिल ऐड कर ली है। अब बारी आती है यहाँ पे स्ट्रिप ऐड करने के लिए। तो उसके लिए हमने ये स्ट्रिप ले ली है इस फैब्रिक की। तो इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे, स्टिच करेंगे, देन फोल्ड करके अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हम डोरी वगैरह इंसर्ट कर देंगे तो ये घेरा हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ये घेरा हमारा बन के रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिप ऐड कर दी और डोरी इंसर्ट कर दी। आप इस डोरी के साइड में लटकन वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है चोली की। चोली के लिए हमने कुछ इस तरह से दो स्ट्रिप्स कट करनी है, एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक की और एक प्लेन फैब्रिक की। ये स्ट्रिप का साइज़ आपको किस तरह से लेना है, अगर आप 01 नंबर के कान्हा जी की बना रहे हो तो आपको इसकी लेंथ 3 इंचज़ और विड्थ 2 इंचज़ लेनी है। अगर आप 2-3 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हो तो लेंथ 4 इंचज़, विड्थ जो है 2.5 इंचज़। अगर आप 4-5 नंबर का बना रहे हो लेंथ 5.5 इंचज़ और विड्थ 3 इंचज़, इसी तरह आपको इंक्रीज़ करना है। तो अब इसको हमने ले लिया है। इसके बाद हमने कुछ इस तरह से इसको हाफ तक कट करना है फ्रंट से। कुछ इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे राउंड शेप की नेक कट कर देनी है। तो ये देखिए मैंने राउंड शेप की नेक कट कर ली। अब हमने ये फैब्रिक नीचे रखना है, देन ये रखना है और इसके यहाँ पे स्टिच दे देना है। यहाँ पूरे में हमने स्टिच देना है, सिर्फ ये ओपन पार्ट छोड़ देना है और इससे हम सीधा कर लेंगे। ये हमने चोले को सीधा कर लिया। अब हमने कोई भी लेस या रिबन लेना है जिसको हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये बैक में जाके बंद जाएगा। आप चाहो यहाँ बाजू पे फ्रिल भी ऐड कर सकते हो। स्मॉल सी स्ट्रिप ले लीजिए और इस स्ट्रिप को फ्रिल बना के यहाँ पर एज अ स्लीव जो है आप ऐड कर दीजिए दोनों साइड पर। तो ये ड्रेस हमारी बनके रेडी हो चुकी है। चोली पे मैंने ये कुछ इस तरह का रिबन अटैच कर दिया जिससे ये चोली कुछ इस तरह से कान्हा जी को पहना सकते हैं। ये पीछे की साइड जाके बंध जाएंगी तो ये बहुत प्यारा लुक आएगा। और ये घेरा है, आप इसके साथ पगड़ी या समर कैप जो आपका दिल करे वो आप बना सकते हैं। आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। अगर
अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। राधे राधे फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।